सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने यहां पर पीछे एंड किया तो नहीं था, मैंने स्टार्ट किया है। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि कितना बायोडेक्ट बन के क्लियर हो चुका है। और देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगा दी जा चुकी हैं। देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट के ये खम्भे हैं, ये लगा दिए जा चुके हैं। और इन पर आपको बता दूँ कि इस पर साइडों में जो उस पर ये शीशे लगाए जा रहे हैं, जो रेलिंग थी रेलिंग नहीं लगा रहे हैं, वो शीशे लगा रहे हैं, रेलिंग की जगह शीशे लगाए जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि 8 लेन का एक्सप्रेसवे है और 8 लेन की ही इसकी सर्विस लेन होने वाली है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और चल रहे हैं हम पैकेज 3 की ओर, वो आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। तो देख सकते हैं जो बीच के ये डिवाइडर है ये तोड़ा जा रहा है, अब आगे भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये इसको तोड़ा जा रहा है, रोड को चौड़ा किया जाएगा क्योंकि 8 लेन का बनाना है, अभी तो 6 लेन का ही है। तो इसको इस बीच का डिवाइडर ये तोड़ा जा रहा है, आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पर डिवाइडर को तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से तोड़ा जा रहा है वो देख सकते हो। ये JCB द्वारा ये मशीन है, ये तोड़ रही है, देखो डिवाइडर को किस तरीके से तोड़ा जा रहा। और यहीं पर आके आपको बता दूँ क्या पैकेज 4 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और पैकेज 3 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ये देख सकते हैं ये फुट ओवर ब्रिज है। और यहीं पे आपको बता दूँ क्या टोल प्लाजा भी बनाया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे के। गाइस तस्वीर आप लोग देख सकते हो, देखो अभी वर्क चल ही रहा है, इसको फुट ओवर ब्रिज बना रहे हैं, जो इधर से इधर आने वाले एक और बना रहे हैं, वो दूसरा बना रहे हैं। देख सकते हैं कि उधर की पब्लिक इधर आ सकती है, इधर की पब्लिक उधर जा सकती है। तो दो इसके फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं और बीच में आपको बता दूं रहेगा टोल प्लाजा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। गाइस तो देख सकते हैं ये बिंग्स रखे हुए हैं और बिंग्स अभी ऐड करने का वर्क चल रहा है क्योंकि ये आ जाता है यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे। और ग्राउंड लेवल पे ही आपको बता दो पैकेज 3 ग्राउंड लेवल का ही है। और इस जगह के आपको बता दूं ज़मीन के रेट हाई हो चुके हैं इस टाइम पे क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेस वे निकल रहा है। और यहाँ पर लैंड एक्वायर भाई साहब आपको क्या ही बताऊं, क्या देख सकते हो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, उनके रेट बिल्कुल हाई हो चुके हैं दोनों साइडों में। और यहाँ पर आप लोग ज़मीन लेना चाहते हो तो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो कि बीच में ये हाईवे होने वाला है 16 लेन का, 8 लेन का एक्सप्रेस वे हो गया, एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे और 8 लेन की सर्विस लेन मिलेगी आप लोगों को, 4 इस साइड में 4 उस साइड में। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, आने जाने के लिए देखो ये स्टील के गाटर लगाए जा रहे हैं, वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो।
दूसरा देख सकते हैं यहाँ से, ये फुटओवर ब्रिज है, ये एक दूसरा फुटओवर ब्रिज इस जगह पे, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से, एक उधर था एक ये था। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि और थोड़ा सा जाके पैकेज 3 एंड हो जाता है और फिर हम घुस जाएंगे पैकेज 2 के अंदर, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो पैकेज 2 में तो आपको बता दूँ कि इसका जो एक्सप्रेसवे का जो कंस्ट्रक्शन यार्ड है वहीं से ये बिंग्स आ रहे हैं, और इसके इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आ रहा है वहीं से। तस्वीर आप लोग देख सकते हो तेज़ी के साथ में अभी एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और हर जगह इस पर कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। और देख सकते हैं ये बिल्डिंग ऊंची ऊंची बन रही हैं दोनों साइडों में, क्योंकि यहाँ पर बिल्डर्स भी आ चुके हैं, उन्हें पता है ना, इसलिए पता है कि भाई साहब दोनों साइड में एक्सप्रेसवे निकल रहा है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे है, जिनकी ज़मीन बहुत सस्ते दामों में थी वो हाई फाई दामों में हो चुके। तो देख सकते हैं ये यहाँ पर मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है, और आगे ये बनाया जा रहा है रैंप, ये रैंप बनाने का काम चल रहा, मिट्टी ये पड़ी हुई है, तो देख सकते हैं रैंप कितना कुछ बन चुका है। यही वर्क चल रहा है आप लोगों को, जहाँ भी आप नज़र उठा के देखोगे वहीं पर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा गाइस। देख सकते हैं इस पर पैरापिट बॉल बनाए जाने हैं, ये सरियों का जाल इनमें बना दिया है, अब पैरापिट बॉल बनाए जाएगा, यानी कि कंक्रीट इस पर डाला जाएगा, अभी सेटरिंग नहीं लगी है। और सर्विस लेन के लिए भी देखो, अभी सर्विस लेन के लिए भी ये बनेगा, तो वो भी आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। रैंप ये देखो, ये यहाँ पर आ जाता है रैंप, ये क्या नाम है, सर्विस लेन का रैंप है ये तो एक्सप्रेसवे का है ये, और ये सामने वाला चमक रहा है, ये है सर्विस लाइन का रैंप, क्योंकि उधर से चढ़ेंगे इधर से उतरेंगे, दोनों साइडों में ऐसे ही बनाया जा रहा है चढ़ने उतरने के लिए। देख सकते हैं इस रैंप पे अभी वर्क चल रहा है, आप लोग खुद ही बता देना कि वीडियो कैसा लग रहा है, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन लाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में तत्पर रहता हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत के वीडियोज़ देखो, ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत के वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस के पी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता। तो देख सकते हैं दोनों साइड का अभी सर्विस लेन बन गया, जो मेन अलाइनमेंट है वो नहीं बना है, वो आगे अभी वर्क चल रहा है, खंभे देख सकते हो, ये पिलर बिल्कुल खड़े हुए हैं, और जो बीच का अलाइनमेंट है देख सकते हो वो लॉन्चर लगा हुआ है, और ये जोड़ रहा है अलाइनमेंट को, एक अलाइनमेंट से दूसरे, एक पिलर से दूसरे पिलर को ये अलाइनमेंट जोड़ता है, फिर इसके साइड में बिंग्स लगाए जाएंगे, और बिंग्स लगाने का मैंने तरीका बताया था आप लोगों को पहली वीडियो में, दूसरी में भी बताया, तो देखो किस तरीके से ये अलाइनमेंट का काम चलता है वो आप लोग देख सकते हो तस्वीरें। ये है कुछ नज़ारे यहाँ के, देखो ये सर्विस लाइन है दोनों साइड में, और बीच वाला मेन अलाइनमेंट है जो कि एक्सिस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है 8 लेन का गाइस, और तेज़ी के साथ में इस पर वर्क चल रहा है, देख सकते हो अलाइनमेंट को कैसे जोड़ रहा है ये, और ये देख सकते हैं ये सर्विस लाइन का ये रैंप बनाया जा रहा है, तो कुछ आधा आधा बन गया है, आधा बाकी है अभी। तो ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर, देखो ये मिट्टी पड़ी हुई है और मिट्टी को इसी के अंदर डाली जाएगी रैंप के अंदर, तो आप लोगों को आगे दिखाएंगे देखो किस तरीके से बिंग्स को जोड़ा जाता है, आप लोगों को इस वीडियो में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मेरा काम ही है दिखाने का, आप लोगों को एंटरटेन करने का, कि कहाँ पर कितना वर्क हो चुका है, कितना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं बिंग्स को इस तरीके से ये जोड़ रहा है, वो अलाइनमेंट पहला है और ये बिंग्स जोड़े जा रहे हैं साइड के, और देख सकते हैं ये कम से कम 2 लेन का ये बिंग्स है एक, आप लोग जान सकते हो गाइस है कितना लंबा चौड़ा ये एक्सप्रेस पर, पिलर भी इसके बहुत काफ़ी हैवी हैं। और आपको बता दूं कि ये 29 किलोमीटर का पार्ट है द्वारका एक्सप्रेस पे, 8000 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है, NHAI द्वारा इसको नीतीश गडकरी साहब बनवा रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव से दहली से गुड़गांव जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा। आपको बता दूँ कि
3 से 4 लाख पर डे की गाड़ियां आना और जाना, तो आप एक रोड क्या कर सकता है, वो भी 4 लेन का। अब 4 लेन ये हो जाएगा, 8 लेन ये हो जाएंगे, 8 लेन वो हो गए, तो थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा हमें मिलेगा सहारा। बहुत ज़्यादा आपको बता दूँ कि ये एयरपोर्ट वाला जो रोड है उस पर बहुत ज़्यादा भी ट्रैफिक रहता आज की डेट में, देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। और जब द्वारका एक्सप्रेस वे बन जाएगा तब देखना उसका ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा गाइस। और आपको बता दूँ कि ये महिपालपुर के शिव मूर्ति से स्टार्ट होता है और ये खिड़की दौला में जाकर ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, जो खिड़की दौला का टोल प्लाजा है उसके पास में ये एंड हो जाता है जाकर एक्सप्रेस पे। तो देख सकते हैं इधर ये सर्विस लाइन का ये रैंप बनाया जा रहा है दोनों साइडों में, बीच का ये एलाइनमेंट कनेक्ट कर दिया है, इनने विंग्स को भी ऐड कर दिया और इसके उसको भी ऐड कर दिया। तो पहले इसको ऐड किया जाता है, फिर इसके विंग्स को ऐड किया जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कैसा ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस द्वारका एक्सप्रेस वे पर, तो जल्द ही बन के तैयार हो जाएगा ये, 2023 में जाके ही कंप्लीट हो पाएगा गाइस। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो कि इधर के दोनों अलाइनमेंट क्लियर हो गए, इसका बीच का भी हो गया है और इसकी सर्विस लाइन भी हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग अपनी आंखों से। और आपके जो रैंप हैं वही रह गए हैं बनाने के लिए इसके सर्विस लाइन के, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ गाड़ियां आ जा सकें तो इसलिए ये रैंप बनाया गया है गाइस। तो आप लोग खुद ही बताना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो केपी संत के वीडियोस को, ताकि और लोगों को भी पता चले, क्योंकि उनका भी आना जाना रहेगा। ऐसा नहीं है कि NCR में जो हमारे उत्तर भारत के जो भी लोग रहने वाले हैं तो वो सब लोग जानेंगे देखेंगे तो उनको पता चलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर गाइस। तो आपको बता दूं कि इस पर 10 किलोमीटर का पार्ट दिल्ली के अंदर है और 20 किलोमीटर का पार्ट हरियाणा में आता है इस एक्सप्रेस वे का। और आपको अभी UR2 भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, वो भी मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ, नई साल से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाइस। तो नई साल से आप लोगों को 2 एक्सप्रेसवे दिखाऊंगा, एक तो DND से जो आपका निकल रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उसको दिखाएंगे, फरीदाबाद तक चलेंगे आपको, और दूसरा आपको दिखाएंगे UR2, पूरा ही आप लोगों को क्लियर करके दिखाएंगे और बताएंगे कि आप लोगों को। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।